हर समस्या का समाधान है, बस हर समस्या को सही से समझना ज़रूरी है, तभी आप सही से उसका समाधान कर पाएंगे। प्लीज़ मेरी ये स्टोरी इन तक ज़रूर सुनेगा। थैंक यू। बहुत पुरानी बात है, समुद्र किनारे एक नन्ही सी राजकुमारी रहती थी। एक दिन उसने इतनी चटनी खा ली कि बीमार हो गई। डॉक्टर ने उसे देखा तो चिंता में पड़ गया। राजा ने राजकुमारी से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी बोली, अगर मुझको चंद्रमा मिल जाए तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। राजा के पास एक से बढ़कर एक जानकार विद्वानों की भीड़ लगी रहती थी। वह उनसे जो मांगता वह हाजिर कर देते थे। इसलिए राजा ने कह दिया, ठीक है, तुमको चंद्रमा मिल जाएगा। राजा ने दरबार में पहुंचकर मंत्री को बुलाया। मंत्री हाजिर हो गया। राजा ने कहा, मंत्री जी, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए, तभी उसकी तबीयत ठीक होगी। आज रात या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक हर हाल में चंद्रमा चाहिए। यह सुनकर मंत्री पसीना पसीना हो गया और बोला, महाराज, चंद्रमा लाना तो असंभव है, चंद्रमा 35,000 मील दूर है। वह पिघले तांबे का बना है और राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। मंत्री की बातें सुनकर राजा गुस्सा हो गया। उसने मंत्री को तुरंत जादूगर को हाजिर करने का हुक्म दिया। जादूगर ने नीले रंग का लबादा पहन रखा था। कलगीधर टोपी में चांदी के सितारे चमक रहे थे और लबादे पर सोने के उल्लू बने थे। मगर जब राजा ने राजकुमारी की इच्छा बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। जादूगर बोला, राजा साहब, चंद्रमा तो कोई नहीं ला सकता। चंद्रमा तो 150,000 मील दूर है, हरे पनीर का बना है और महल से 2 गुना बड़ा है। राजा आग बबूला हो गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अगर चंद्रमा नहीं ला सकते तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। तब राजा ने अपने राज जी के सबसे बड़े गणितज्ञ को बुलाया। वह गंजा था और उसके दोनों कानों में पेंसिल लगी थी। उसके काले चोंगे पर सफ़ेद अंक चमक रहा था। कृतिक के आते ही राजा ने कहा, देखो, मुझे अपनी बेटी के लिए चंद्रमा चाहिए और तुम्हें इसका जुगाड़ करना है। गणितज्ञ बोले, महाराज, चंद्रमा तो 3,00,000 मील दूर है। वह सिक्के की तरह गोल और चपटा है, आसमान में चिपका है। चंद्रमा को कोई पृथ्वी पर नहीं ला सकता। राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। अब उसने सबसे उबकर विदूषक को बुलाने के लिए घंटी बजाई। रंग बिरंगी कतरनों से बने कपड़े और टोपी लगाए छलांग मारते हुए राजा के पास आ गया और बोला, महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा बोला, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए और जब तक राजकुमारी को चंद्रमा नहीं मिल जाता, वह ठीक नहीं हो सकती। विदूषक ने पूछा, विद्वानों के मुताबिक चांद कैसा है, कितना बड़ा है, कितनी दूर है? राजा बोला, मंत्री कहता है चंद्रमा 35,000 मील दूर है, राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। जादूगर कहता है चंद्रमा 150,000 मील दूर है, महल से भी 2 गुना बड़ा है। और गणतज्ञ सोचता है कि चंद्रमा 3,00,000 मील दूर है, मेरे राज्य का आधा है। विदूषक बोला, जब विद्वान ऐसा कह रहे हैं तो सच ही होगा। अब करना यह है कि राजकुमारी से भी पूछें चंद्रमा कितना बड़ा है और कितनी दूर है। यह कहकर विदूषक उछलता कूदता राजकुमारी के कमरे में पहुँचा। विदूषक को देखकर राजकुमारी मुस्कुरा दी और बोली, क्या तुम मेरे लिए चंद्रमा लाए हो? विदूषक बोला, अभी तो नहीं, पर हाँ, जल्दी ही ले आऊँगा। अच्छा, बताओ चंद्रमा कितना बड़ा है? राजकुमारी बोली, अरे, तुमको नहीं पता? चंद्रमा मेरे नाखून से ज़रा सा छोटा होगा, क्योंकि जब मैं अंगूठा चंद्रमा के सामने करती हूँ तो वह ढक जाता है। विदूषक बोला, और चंद्रमा कितनी दूर होगा? राजकुमारी बोली, मेरी खिड़की से जो पेड़ है उससे तो ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि वह कभी कभी पेड़ की टहनियों में उछल जाता है। वह किस धातु का बना होगा? विदूषक ने पूछा। अरे, यह भी कोई पूछने की बात है? चंद्रमा तो सोने का बना होता है, राजकुमारी बोली। विदूषक बोला, अच्छी बात है, आज रात जब चंद्रमा टहनियों में उछलेगा तो मैं उसको उतार लाऊंगा। राजकुमारी बोली, ज़रूर, मुझे जल्द से जल्द सोने जैसा चंद्रमा ला दो। विदूषक महल से सीधा सोनार के पास गया और राजकुमारी के नाखून से जरा छोटा सोने का चंद्रमा बनवा लिया और सोने के तार में पिरो कर राजकुमारी के पास ले गया। राजकुमारी खुश हो गई और सुबह बाग से चहकते हुए खेलने लगी और वह स्वस्थ हो गई। राजा अब भी चिंतित था।
उसे पता था रात को जब चंद्रमा निकलेगा तो बिटिया फिर बीमार होगी। उसने मंत्री को बुलाया और कहा, कुछ ऐसा उपाय करो कि राजकुमारी आज की चंद्रमा ना देख पाए। बहुत सोच विचार कर मंत्री बोला, राजकुमारी को काला चश्मा पहना दिया जाए तो चंद्रमा नहीं दिखेगा ही नहीं। राजा चिड़चिड़ा हो गया और बोला, अगर राजकुमारी काला चश्मा पहनेगी तो चीज़ें से टकराएगी, इससे उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी, नई बीमारी हो जाएगी। अब जादूगर को बुलाया गया और सुझाया कि महल के चारों ओर काले मखमल ऊंचे ऊंचे पर्दे तान दें तो चंद्रमा हर हाल में छिप जाएगा। राजा को सुनते ही गुस्सा आया, अरे इससे तो बेटी का दम घुट जाएगा। तब गर्दक को बुलाया गया, उसने भी जोर घटाकर बताया कि बगीचे के जमकर रंग बिरंगी आतिशबाजी की जाए और चकाचौंध में चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा। राजा को इस बात पर इतना गुस्सा आया, उसने चीखने लगा, आतिशबाजी होगी तो बिटिया सो नहीं पाएगी और सोएगी नहीं तो बीमार हो जाएगी, चल यहाँ से सब चले जाओ। इन सबके जाने के बाद विदूषक आया। राजा ने कहा, वह देखो राजकुमारी, खिड़की पर चंद्रमा चमक रहा है। अब वह देखेगी तो गले में पड़ा चंद्रमा आसमान में चमक रहा है तो उस पर क्या बीतेगी। विदूषक चुपके से संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़कर राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी के बिस्तर पर लेटी चंद्रमा को देख रही थी। उसके हाथ में चंद्रमा का लाकेट था। विदूषक बोला, कितनी अजीब बात है, चंद्रमा आसमान में चमक रहा है जबकि वह तो सोने की जंजीर के सहारे तुम्हारे गले में लटक रहा है। राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तुम तो एकदम बुद्धू हो, इसमें अजीब बात क्या है। जब मेरा कोई दांत टूट जाता है तो उसी जगह दूसरा नहीं उग जाता है। विदूषक बोला, अरे हाँ, जानवर के सींग झड़ जाती है तो वह भी फिर से आ जाती है, इतनी सी बात मेरे अकल में क्यों नहीं आई। राजकुमारी बोली, ऐसे दिन रात रोशनी चंद्रमा सबके साथ होता है। विदूषक ने देखा, धीमे धीमे बुदबुदाते हुए राजकुमारी खुशी खुशी सो गई है। विदूषक मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर आ गया। प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक सॉल्व थी।